ग्रामीण क्षेत्र की बसें भी ग्राम गाड़ी योजना से जुड़ेंगी। दोस्तों, ग्राम गाड़ी योजना के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका है, जिसमें बताया गया था कि नए नए गाड़ियों के लिए ही ये योजना शुरू होगी, लेकिन अब इसमें चेंजिंग हो गया है। इसमें अब पुराने गाड़ी भी जुड़ गए हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें सबको फायदा होगा। और बहुत अच्छी योजना है, जिसमें रोड टैक्स फ्री है, वाहन सभी तरह का पुराने वाहन भी जुटेंगे और परमिट शुल्क सिर्फ 1 रुपया होगा। और देखिए किन्हें किन्हें फायदा होगा, तो हम लोग चलिए इनके बारे डिटेल जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को लेकर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। जैसा कि मैंने बताया, पहले से ही चल रही है ये योजना, हालांकि नई है। योजना के तहत अभी तक केवल नए क्रय किए जाने वाले वाहनों को ही चलाने की अनुमति थी। परिवहन विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से चल रहे वाहनों को भी योजना से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इससे सभी लोगों को फायदा होगा, बहुत राहत मिलेगा। देखिएगा आगे, विभाग का मानना है कि इससे स्थानीय ग्रामीणों को स्वरोजगार के और अधिक अवसर मिलेंगे। परिवहन मंत्री दीपक बरुआ ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी चल रही बसों को भी योजना से जोड़ना है। यह प्रस्ताव अभी सचिव स्तर पर विचाराधीन है। ठीक है, इच्छुक स्थानीय ग्रामीण एवं वाहन मालिकों को योजना से जोड़ने एवं आम जनों को सुलभ परिवहन की सुविधा देने के लिए परिवहन विभाग लगातार काम कर रहा है। अपने क्षेत्र के ग्रामीणों की योजना की जानकारी दी जा रही है। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि योजना के तहत संचालित वाहनों को देखिए क्या क्या है। इसमें रोड टैक्स फ्री, परमिट शुल्क, आवेदन शुल्क और फिटनेस शुल्क सिर्फ 1 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें देखते हैं कि अभी तक केवल नए क्रय किए गए जाने वाले वाहनों को ही संचालन की अनुमति थी। पहले नए को ही दिया जाता था, पुराने को भी, आम नागरिक को भी बस भाड़ा में दी जाएगी अब रियायत। तो देखिए क्या रियायत दी जाएगी। योजना के तहत आम नागरिकों को भी बस भाड़ा में रियायत दी जाएगी। उसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, ध्यान सुनिएगा, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, छात्र छात्राओं, सरकार द्वारा विधवा पेंशन से आच्छादित महिला, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारियों, HIV पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति को बस भाड़ा में 100% तक रियायत दिए जाएगी। जो इनसे जुड़ेंगे उसको 100% रियायत दी जाएगी। अच्छी है, आपको कार्ड मिलेगा, उस कार्ड को आपको रखना होगा बस। अब देखिए 7 से 42 सीट क्षमता वाले वाहनों के संचालन की अनुमति इसमें है। 7 सीट से 42 सीट। अब देखिए योजना में केवल 7 से 42 सीट क्षमता ड्राइवर सहित वाले वाहनों को संचालन की अनुमति है। बैंक अथवा वित्त संस्थान से वाहन के खरीद पर लाभार्थियों को सरकार द्वारा ऋण की व्यवस्था है। ऋण की राशि 5% तक ब्याज सब्सिडी 5 वर्ष तक दी जाएगी। आपको 5 वर्ष तक आपको छूट मिलेगी, 5 वर्ष के बाद आपको देना होगा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के वाहनों को चिन्हित ग्रामीण सड़क पर चलाने की अनुमति है। सड़क की अधिकतम दूरी 125 किलोमीटर निर्धारित है। 125 किलोमीटर तक आपको पूरा फ्री है। उसके बाद निर्धारित सड़क सीमा के बाद आपको 7.5 से 18 रुपया विशेष सहायता, वित्त सहायता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये है ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जो बेस्ट योजना है, जिसका पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका था। अब चलिए नए नए जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।